तो क्या हमारा माइनक्राफ्ट बिल्कुल एक नॉर्मल सा गेम है? Is there a deep message behind the Minecraft cave sounds? खैर मुझे तो ऐसा स्टार्टिंग से नहीं लगता था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं माइनक्राफ्ट के अंदर हर एक ऐसी चीज को नोटिस कर रहा था जिस पे हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। और मुझे माइनक्राफ्ट के कुछ ऐसे सीक्रेट्स के बारे में पता चला है जिनको आप देख के बिल्कुल हैरान हो जाओगे। जैसे कि ये है अपना नॉर्मल सा एक आयरन गोलम, और ये आयरन गोलम इन विलेजर्स की प्रोटेक्शन करते हैं, ये चीज तो हमें पता ही है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये आयरन गोलम आखिर होता क्या है, इसको किसने बनाया, और सबसे बड़ा सवाल क्यों बनाया है? तो ये बात तो बहुत ज्यादा क्लियर है कि आयरन गोलम को इन विलेजर्स ने ही बनाया है। इवन माइनक्राफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे यही लिखा है, आयरन गोलम इज क्रिएटेड बाय विलेजर्स। तो बात कुछ ऐसी है, जब माइनक्राफ्ट के अंदर पहली बार विलेजर्स बनने लगे थे तब विलेजर्स को एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि रात को ज़ॉम्बीज़ वहाँ पे आते थे और कुछ विलेजर्स को वहाँ पे इन्फेक्ट कर देते थे। और इसी चीज से परेशान विलेजर्स ने सोचा कि इस विलेज का कोई रक्षक होना चाहिए, एक ऐसा क्रिएचर जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। माइनक्राफ्ट के सारे विलेजर्स ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए, सब लोगों ने बहुत अलग अलग चीजें ट्राई करी, लेकिन सैडली एक भी चीज काम नहीं करी। तभी एक क्लरिक विलेजर, जो सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट विलेजर होता है, उसने आयरन गोलम का एक मॉडल बना दिया, एक ऐसा मॉडल जिसके अंदर स्ट्रांगेस्ट ओर यूज हो रही हो। और इसका कुछ चेहरा देने के लिए इन लोगों ने एक पम्पकिन का यूज करा, और सारे विलेजर्स ने इसको एक पॉपी फ्लावर दे के फ्रेंडशिप बढ़ाई। और अब इस आयरन गोलम की ये ड्यूटी है कि वो मरते दम तक इस विलेज की प्रोटेक्शन कर सके, चाहे रात हो या दिन, इसको पूरे विलेज की रक्षा करनी पड़ती है। और दिन रात से मुझे याद आया, माइनक्राफ्ट के अंदर जब भी रात होती है तो हमारा ये मून निकलता है, और माइनक्राफ्ट में मून के अलग अलग फेजेस होते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ द फुल मून की। ये बहुत ज्यादा स्पेशल फेज है, या फिर मैं यूं कहूं कि ये माइनक्राफ्ट को शापित बना देता है। जी हाँ, जैसे हमारे रियल लाइफ में चंद्र ग्रहण मतलब सोलर एक्लिप्स होता है तो उसको बुरा माना जाता है और हम काफी सारी चीजें उस टाइम नहीं करते हैं, और कुछ इसी टाइप से माइनक्राफ्ट के अंदर जब भी फुल मून निकलता है तो माइनक्राफ्ट को शापित बना देता है। जब भी माइनक्राफ्ट के अंदर फुल मून निकलता है तो रेयर रेयर मॉब स्पॉन होते हैं। जब भी माइनक्राफ्ट के अंदर ये फुल मून देखा जाता है तो बहुत सारी स्लाइम स्पॉन होती है। फुल मून के नीचे ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाते हैं, ये झुंड बना के आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। जब भी माइनक्राफ्ट के अंदर फुल मून होता है तो जो भी आप कैट स्पॉन करोगे बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो ब्लैक कैट स्पॉन हो, और ब्लैक कैट का तो आपको पता ही है कि वो एक ईवल सिंबल होता है। और इसीलिए माइनक्राफ्ट के अंदर जब भी फुल मून हो रहा हो तो आपके लिए घर पे पड़े रहना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। और ये है माइनक्राफ्ट के कुछ हॉर्सेस जिनको हम ट्रेवल करने के लिए यूज करते हैं, और ये है एक ज़ॉम्बी हॉर्स जिसका कोई यूज नहीं है, ना ही आपको ये इस वर्ल्ड के अंदर देखने के लिए मिलेगा, इवन ये क्रिएटिव मेन्यू से भी गायब है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या कभी आपने सोचा कि इसको गेम से हटा क्यों दिया, और ये ज़ॉम्बी हॉर्स भला होता क्या है? तो देखो, जैसे हमारे इस वर्ल्ड के अंदर स्केलेटन हॉर्सेस होता है जिनकी सवारी ये स्केलेटन्स करते हैं ताकि वो और ज्यादा पावरफुल बन सके, कुछ उसी टाइप से बहुत सारे माइनक्राफ्ट के ज़ॉम्बीज ने इन हॉर्सेस पे अटैक करके उनको इन्फेक्ट कर दिया ताकि वो लोग भी उनकी सवारी कर सके। लेकिन दिक्कत यहाँ आई कि ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, उनकी पूरी बॉडी इन्फेक्टेड हो गई और सारे के सारे हॉर्सेस ब्लाइंड हो गए, और ये इन्फेक्शन उनके दिमाग तक चढ़ गया और सारे के सारे हॉर्सेस पागल हो गए। जब भी ज़ॉम्बीज़ इनको राइड करते थे ये बिल्कुल अनकंट्रोल हो जाते थे और ऊटपटांग चीजें करने लगते थे, और धीरे धीरे ये ज़ॉम्बी वायरस इतना ज्यादा फैल गया कि सारे के सारे ज़ॉम्बी हॉर्सेस मरने लग गए। और यही वजह है कि ज़ॉम्बी हॉर्सेस आज की डेट में आपको कहीं नहीं दिखेंगे। और इसी माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में एक और रेयर चीज पाई जाती है, ये चमचमाते हुए ग्रीन एमरल्ड्स। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, ये एमरल्ड्स माइनक्राफ्ट की सबसे ज्यादा रेयरेस्ट ओर होती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन विलेजर्स के पास इतने सारे एमरल्ड्स कहां से आए, और ये विलेजर्स सिर्फ एमरल्ड्स का क्यों यूज करते हैं? ये डायमंड का यूज कर सकते हैं, गोल्ड का यूज कर सकते हैं, लेकिन एमरल्ड ही क्यों? तो देखो, माइनक्राफ्ट के इस वर्ल्ड में विलेजर्स के लिए एमरल्ड बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये विलेजर्स एमरल्ड्स पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एमरल्ड कोई नॉर्मल ओर नहीं होती है बल्कि एक मैजिकल ओर होती है जो चीजों के अंदर जान डाल सकती है। इवन इन विलेजर्स ने भी आयरन गोलम को बनाने के लिए एक एमरल्ड का यूज करा था। टोटम ऑफ अंडाइंग भी एक एमरल्ड से बनाया जाता है, और यहाँ तक जो विलेजर्स इस विलेज पे रेड करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एमरल्ड्स लूटने के लिए रेड करते हैं। वो एमरल्ड्स को लूटते हैं ताकि वो भयानक एक्सपेरिमेंट कर सके और उस मैजिकल ओर की हेल्प से वो चीजों में जान डाल सके। और इससे मिलो, ये है ऑस्टिन। ये माइनक्राफ्ट का बहुत ही ज्यादा एक अजीब सा प्लेयर है, या फिर मैं यूं कहूं एक बहुत ही ज्यादा बुरा पर्सन, क्योंकि इस बंदे ने जो कांड करे हैं वो सुन के आप बिल्कुल शॉक हो जाओगे। तो वैसे तो ऑस्टिन 20-25 साल का एक बड़ा बंदा था, लेकिन उसको माइनक्राफ्ट में छोटे बच्चे मतलब 10-11 साल वाले बंदों के साथ खेलना बहुत ज्यादा पसंद था। वो उनके साथ रोज माइनक्राफ्ट खेलता रहता था और नए नए हमेशा दोस्त बनाता था। अब आप सोचोगे इसमें क्या गड़बड़ है, ये तो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑस्टिन एक सीरियल किलर था।
जी हाँ, वो माइनक्राफ्ट के रैंडम सर्वर्स के अंदर जाता था और वो छोटे बच्चों को दोस्त बना लेता था। जब उनकी दोस्ती गहरी हो जाती थी, वो आपस में खेलने लगते थे, तब ऑस्टिन उनको रियल लाइफ में मिलने के लिए बोलता था और वो बच्चे मान भी जाते थे क्योंकि ऑस्टिन दिमाग का बहुत ज्यादा चालाक बनता था। और रियल लाइफ में एक बार जब ऑस्टिन उन बच्चों से मिलता था तो वो उनको किडनैप कर लेता था और किडनैप हुए उन बच्चों के साथ वो ऐसे कांड करता था जो कि मैं इस चैनल पे आपको दिखा भी नहीं सकता हूँ। और क्या ये जो माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड होता है वो हमारी इस अर्थ से बिल्कुल सिमिलर है? तो देखो, माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे रियल लाइफ से बिल्कुल मैच करती है। जैसे माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड के अंदर बारिश होती है, जैसे हमारे नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर बारिश होती है। माइनक्राफ्ट के इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी अलग अलग बायोम्स होती है और हमारे इधर उधर भी फॉरेस्ट वगैरह आपने देखे होंगे। इवन माइनक्राफ्ट के एनिमल्स जैसे भी रियल लाइफ में एनिमल्स होते हैं। लेकिन क्या ये माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड हमारी अर्थ की तरह बिल्कुल राउंड होता है? इस चीज पे काफी सारी थ्योरीज बन चुकी है। पहले तो काफी सारे लोगों ने ये थ्योरी कि माइनक्राफ्ट का ये वर्ल्ड स्क्वायर होता है, क्योंकि देखो माइनक्राफ्ट के अंदर सारी चीजें स्क्वायर ही होती है, चाहे वो सन हो गया, मून हो गया या फिर कोई भी मॉब हो गया। इसलिए सब लोगों ने सोचा कि ये वर्ल्ड भी स्क्वायर ही होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये वर्ल्ड स्क्वायर होता तो कोने पे ग्रेविटी बहुत ज्यादा कम होती, लेकिन माइनक्राफ्ट के अंदर ग्रेविटी हर जगह सेम ही होती है। और फिर ये थ्योरी एकदम गलत प्रूफ हो गई और फिर सबने सोचा कि माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड भी एकदम राउंड होता है। लेकिन मुझे ये माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड ना ही राउंड लगता है ना ही स्क्वायर लगता है, ये सिंपल सा एक फ्लैट वर्ल्ड है। वेल, आपको क्या लगता है कमेंट्स में मेरे को जरूर बताना। और हाँ, कमेंट से मेरे को याद है, लास्ट वाली वीडियो में मैं कमेंट्स पढ़ रहा था और आप में से बहुत सारे लोग मेरे से ये पूछ रहे थे कि जय भाई मुझे कोई अर्निंग का सोर्स बताओ, मैं स्कूल कॉलेज या फिर जॉब में एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहता हूँ। मैंने इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करी और मुझे पता चला कि मार्केट के अंदर एक न्यू गेमिंग कंपनी आई है जो कि MG और iTech Lab जैसी ट्रस्टेड सोर्सेज से वेरीफाइड है और इसमें रिवॉर्ड्स कमाना काफी ज्यादा सिंपल है। मैं साइन अप करो और वेरिफिकेशन होते ही आपको 500 रुपीज मिल जाएंगे एज अ बोनस। और अब देखो मैं आपको ये गेम खेल के दिखाता हूँ माइंस वाला। बोनस में मिले 500 को मैं यूज करने वाला हूँ एंड वाव, देखो 1000 हो चुके हैं। और अभी देखो मैजिक 1000 से मैं यहाँ पे लगा के 2000 बना दिए। अब मैं इस अमाउंट को विड्रॉ करने जाऊंगा और ये देखो इंस्टेंटली मेरे अकाउंट में ये अमाउंट आ चुका है। तो देखा आपने मैंने कितनी आसानी से बोनस में मिले 500 से 2000 कर दिए और अपने बैंक अकाउंट के अंदर विड्रॉ भी कर दिए, वो भी सिर्फ मैंने यहाँ पे 5 मिनट स्पेंड करे हैं। तो आपको भी अपने दिन में से सिर्फ आधा घंटा निकालना है और आप इजिली 5-10 के कर सकते हो और ये ऑफर सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए है। और हाँ, मेरा प्रोमो कोड मिस्टर गेमर जरूर यूज करना जिससे आपके विनिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये देखो, ये है माइनक्राफ्ट का एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि ये किसने बनाया और ये भला आया कहां से है। माइनक्राफ्ट के ये डेजर्ट वेल बहुत ज्यादा रेयर होते हैं, ये सिंपल ऐसे सैंडस्टोन और स्लैब से बने होते हैं और बीच में इनके पानी होता है। लेकिन इसके पीछे का पर्पस क्या है, यहाँ तक कि माइनक्राफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसका लगभग कोई डेटा नहीं है। कुछ प्लेयर्स ने ये आइडिया लगाया कि दूसरे विलेज में जो ऐसे वेल्स होते हैं, ये डेजर्ट वेल भी कुछ उसी टाइप का एक स्ट्रक्चर है जो कि पहले इन डेजर्ट विलेज में पाया जाता था। लेकिन कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ये इवोकर ने बनाया है, क्योंकि माइनक्राफ्ट के 1.20 अपडेट में आपको पता है पॉटरी शार्ड्स मिलने लग गए और इसी वेल के नीचे हमें एक पॉटरी शार्ड मिलता है जिससे हम एक ऐसा पॉट बना सकते हैं। और इसको जरा ध्यान से देखो, इस पे एक ऐसा फिगर बन रखा है जिसने अपने हाथ ऐसे ऊपर कर रखे हैं और माइनक्राफ्ट के अंदर ऐसा कोई भी मॉब नहीं है सिवाय इस इवोकर के। सेम टू सेम एक इवोकर की तरह दिखता है जो कि हाथ उठा के ऐसे मैजिक कर रहा है। और मैजिक से याद आया, माइनक्राफ्ट के अंदर हम अलग अलग टाइप के मैजिक कर सकते हैं, जैसे ऊंची छलांग लगाना या फिर किसी मॉब को पोशन से खत्म कर देना। और हाँ, हम एक जगह से दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट भी कर सकते हैं और टेलीपोर्टेशन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप खुद ही सोचो, हमारे पास माइनक्राफ्ट के अंदर एक ऐसी चीज होती है जिसको हम जहाँ मर्जी फेंके वहाँ पे हम टेलीपोर्ट हो जाते हैं। लेकिन कैसे ये चीज पॉसिबल कैसे है, वो भी सिर्फ एक पर्ल की मदद से? तो देखो, माइनक्राफ्ट के अंदर जब भी हम टेलीपोर्ट करते हैं तो बीच में हम किसी एक डायमेंशन में जाते हैं और ये चीज मैं नहीं बल्कि इस माइनक्राफ्ट के डेवलपर ने खुद बोली है। जब भी हम एक एंडर पर्ल फेंकते हैं टेलीपोर्ट होने के लिए तो वो लैंड होने से पहले हमें ऐसी डायमेंशन में लेके जाती है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ज्यादा कम टाइम के लिए होते हैं और इस डायमेंशन के अंदर अजीब अजीब मॉब्स भी पाए जाते हैं। लेकिन हम इतना कुछ देख पाए इससे पहले हम जमीन पे वापस टेलीपोर्ट हो जाते हैं और इस चीज का तो हमारे पास इवन प्रूफ भी है। जब भी हम एंडर पर्ल को बहुत ज्यादा जमीन पे फेंक के मारते हैं तो उस वाले डायमेंशन के मॉब हमारे उस वर्ल्ड में आ जाती है जो कि है ये एंडरमाइट। जी हाँ, ये उसी डायमेंशन से आई हुई एक मॉब है और इसीलिए शायद ही हमारे वर्ल्ड में और कहीं नहीं दिखती। और इन्हीं डायमेंशन की जैसी, क्या ये पॉसिबल है कि माइनक्राफ्ट के अंदर एक आउटर लाइफ एग्जिस्ट करती हो? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि माइनक्राफ्ट के अंदर हम कितने ऊपर चले जाए वहाँ पे ऊपर कुछ भी नहीं है, एकदम सपाट पड़ा होता है। लेकिन कैसा रहेगा अगर मैं ये बोलूँ कि माइनक्राफ्ट के अंदर एक ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है, एक ऐसा ब्लॉक एग्जिस्ट करता है जो कि सीधा स्पेस से आए। सोचो जरा ऐसा कौन सा ब्लॉक है,
ये नेदरराइट। जी हाँ, ये तो आपको पता होगा कि नेदरराइट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, वन ऑफ द टफेस्ट मटेरियल है माइनक्राफ्ट का। इसे आप तगड़े तगड़े आर्मर और टूल्स बना सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये डायमंड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन हमारी इस अर्थ पे ऐसी कोई भी चीज नहीं पाई जाती है जो कि डायमंड से स्ट्रॉन्गर हो। तो फिर ये नेदरराइट भला आया कहाँ से? तो इसीलिए तो मैंने बोला है कि नेदरराइट स्पेस से आया है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है कि माइनक्राफ्ट के अंदर एक एस्ट्रॉइड गिरा हो और उस एस्ट्रॉइड में ये नेदरराइट कंटेन करता हो और यही मटेरियल पूरे माइनक्राफ्ट के नेदर के अंदर फैल गया, इसलिए शायद इसका नाम भी नेदरराइट है। और ये थ्योरी अगर 1% भी सच होती है तो इसका मतलब ये है कि माइनक्राफ्ट के अंदर स्पेस लाइफ भी एग्जिस्ट करती है। और क्या ये माइनक्राफ्ट का खतरनाक सा नेदर इस ओवरवर्ल्ड के नीचे बना हुआ है? जी हाँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम ओवरवर्ल्ड के अंदर माइनिंग करते हैं और बहुत ज्यादा नीचे तक चले जाते हैं तो वहाँ पे हमें एक लेयर देखने के लिए मिलती है, ये बेडरॉक की। और सेम ऐसी ही लेयर हमें नेदर के बिल्कुल टॉप पे मिलती है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे ओवरवर्ल्ड खत्म होता है वहाँ पे से ये नेदर शुरू हो जाता है। और इसका प्रूफ खुद माइनक्राफ्ट ने दिया है। देखो, जब भी हम माइनक्राफ्ट के अंदर नेदर में पहली बार जाते हैं तो हमें एक एडवांसमेंट मिलती है, वी नीड टू गो डीपर। इस वर्ड पे जरा ध्यान दो, डीपर मतलब हमें और गहराई में जाना होता है, ओवरवर्ल्ड की गहराई में जहाँ पे नेदर लोकेटेड है। और अभी भी अगर आपको यकीन ना हो रहा हो तो एक बार गूगल में सर्च करना कि नेदर का मतलब क्या होता है। लोअर इन पोजीशन मतलब एक ऐसी चीज जो कि बिल्कुल नीचे बनी हुई है। और इससे ये साफ प्रूफ हो जाता है कि नेदर और कोई जगह नहीं बल्कि इस ओवरवर्ल्ड के बहुत ज्यादा अंडरग्राउंड में बनी हुई एक जगह है। और ये पोर्टल तो सिर्फ एक जरिया है फास्ट ट्रेवल करने का, और इसीलिए शायद ये इतनी ज्यादा गर्म होती है, इसलिए यहाँ पे इतने अजीब अजीब मॉब पाए जाते हैं। ये हो आप और ये आपका एक हार्डकोर वर्ल्ड। और हार्डकोर वर्ल्ड के बारे में तो आपको पता ही होगा, ये वर्ल्ड काफी ज्यादा खतरनाक होता है और हमारे पास सिर्फ यहाँ पे एक लाइफ होती है। अगर गलती से भी हमारा प्लेयर यहाँ पे मर जाता है कभी रिस्पॉन नहीं होता। लेकिन इस वर्ल्ड का आखिर क्या होता होगा, ये आपने कभी सोचा है कि प्लेयर तो मर जाता है लेकिन इस वर्ल्ड का क्या होगा, क्योंकि इसके अंदर खेलने वाला कोई नहीं है, एकदम सुनसान हो जाता है ये। तो स्टार्टिंग में तो ये वर्ल्ड एकदम नॉर्मल से ही रहता है, चीजें एकदम नेचुरली काम करती रहती है, जो आपने वहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया वो वहीं के वहीं रहते हैं, अगर आपने कोई वुल्फ टेम करा है वो भी वहीं बैठा रहेगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है इस वर्ल्ड के चंक्स अनलोड होना स्टार्ट हो जाते हैं, माइनक्राफ्ट की मॉब्स की एआई बिल्कुल खत्म होने लगती है और वो सारे फ्रीज हो जाते हैं। ये वर्ल्ड में काफी सारे ग्लिचेस होने लगते हैं और ये वर्ल्ड बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं रहता। धीरे धीरे इस वर्ल्ड में सारी चीजें गायब होने लगती है और एक ऐसा टाइम भी आएगा जब आपका वर्ल्ड रिवर्स में चलने लग जाएगा, टाइम यहाँ पे पीछे चलने लग जाएगा, जो भी आपने वहाँ पे बिल्ड कराया वो गायब हो जाएगा, जो भी मॉब आपने वहाँ पे टेम कराए वो सब कुछ भूल जाएंगे। और इसी के साथ मैं इस वाली वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। लेकिन इन फ्यूचर आपको ऐसी माइनक्राफ्ट की वीडियोस देखनी है तो इस चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और हाँ, आप इस वीडियो को भी जाके देख सकते हो क्योंकि मैंने इसके अंदर माइनक्राफ्ट के कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको बताए हैं जो कि आपको घंटा पता होंगे। मेरी शर्त है फटाफट से इस वीडियो को जाके देखो।